क्या हुआ जब 25 साल पहले हुए हेलीकॉप्टर क्रैश में गुम हुआ यह लड़का आखिर अपनी माँ से पुनः कैसे मिला? इस घटना का होश उड़ा देने वाला सच आपको भी कमेंट बॉक्स में भारत माता की जय कहने पर मजबूर कर देगा। यह सत्य चमत्कारी घटना है आर्मी के बहादुर जवान कैप्टन संदीप गुर्जर की। एक रात्रि की बात है जब वो जम्मू कश्मीर में अपने कैंप में सो रहे थे। उस समय उनके प्रमुख कमांडर वीरभद्र सिंह को यह सूचना मिली कि श्रीनगर में आतंकी हमले की फिराक में हैं, जिसके बाद वे तुरंत संदीप गुर्जर के साथ और 3 सिपाहियों को लेकर अपने MI-17V5 हेलीकॉप्टर में श्रीनगर के लिए रवाना हुए। यह भारतीय सेना का सबसे आधुनिक हेलीकॉप्टर था। रात्रि का समय था और मौसम भी इतना अच्छा नहीं था, इसलिए वह हेलीकॉप्टर ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं उड़ रहा था। और जैसे ही मौसम ने अपनी करवट बदली, अचानक से हेलीकॉप्टर ने अपना संतुलन खो दिया। अब वो MI-17V5 हेलीकॉप्टर धीरे धीरे जमीन की ओर बढ़ रहा था। उसने अपना संतुलन खो दिया था। उस समय वे लोग जंगली इलाके में थे और उनका हेलीकॉप्टर उसी जंगली इलाके में क्रैश हो गया। और क्रैश होते ही उस हेलीकॉप्टर में बहुत बड़ा धमाका हुआ और उसमें उपस्थित सभी जवान वीरगति को प्राप्त हो गए। वास्तव में दोस्तों, ये बहुत ही दुखद घटना थी। जैसे ही सेना को इस एक्सीडेंट के बारे में पता चला, बचाव दल की एक टुकड़ी तुरंत उस क्षेत्र के लिए रवाना हुई। और जब सुबह हुई तो उन सभी सिपाहियों के शव को हेलीकॉप्टर से बाहर निकाल लिया गया। वो पहचान में भी नहीं आ रहे थे, इसलिए उन्हें तुरंत पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और उनके परिवार वालों को भी सूचना दे दी गई। और जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो 5 सिपाहियों में से 4 जनों के मृत होने की पुष्टि हो गई, परंतु एक संदीप गुज्जर अभी भी नहीं मिले थे। और ये खबर सुनकर संदीप गुज्जर की माँ की सांस में सांस आई। उन्हें ऐसा लग रहा था कि शायद मेरा बेटा अभी भी जिंदा है। सेना ने उस जंगल में संदीप गुज्जर को बहुत ढूंढा, परंतु चारों ओर न मिलने के कारण उन्हें भी मृत करार दे दिया गया। परंतु उनकी माँ को ये विश्वास था कि मेरा बेटा अभी भी जिंदा है और एक न एक दिन वो मेरे पास जरूर लौटेगा। अब तकरीबन 10 साल बीत चुके थे, परंतु संदीप का कोई अता पता नहीं था और उसे मरणोपरांत बाद दिए जाने वाले वीर चक्र से भी सम्मानित किया जा चुका था। परंतु उसकी माँ को आज भी महादेव में विश्वास था कि वो उनका बेटा उन्हें जरूर लौटाएंगे। अब समय और तेज गति से निकलता जा रहा था। उस घटना को हुए तकरीबन 25 साल हो गए थे और संदीप की माँ की उम्र भी 75 वर्ष हो गई थी, परंतु वो आज भी अपने बेटे की राह तकती थी। और उस दिन एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। उस घटना के 25 साल बाद संदीप जिंदा किसी तरह अपने घर वापस आ गया था। और जब उसकी माँ ने उसे देखा तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। अपने बेटे को जिंदा देखकर खुशी के मारे वो पागल हो गई थी। परंतु ये सच था कि संदीप गुज्जर उस समय जिंदा था। तुरंत सेना को वहां बुलाया गया, जहां पर उससे प्रश्न किया गया कि आखिर तुम इतने साल से कहां थे और आखिर तुम जिंदा कैसे बचे हो। तब उसने बताया कि 25 साल पहले उस हेलीकॉप्टर के क्रैश होने से पहले ही कुछ दूरी पर मैं उस हेलीकॉप्टर से कूद गया था और उस समय में उसी जंगल में एक आदिवासी कबीले में जाकर गिरा। सर पर चोट लगने की वजह से मेरी याददाश्त जा चुकी थी। उन सभी आदिवासियों ने मेरा बहुत ध्यान रखा और मेरा उपचार भी किया। मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा था, इसलिए मैं वहीं पर अपना जीवन यापन करने लगा। परंतु उसके 25 साल बाद महाशिवरात्रि के पर्व पर महादेव के चमत्कार से मेरी याददाश्त वापस आ गई और मैं उन सभी लोगों से अलविदा लेकर यहाँ चला आया। और इस तरह से 25 साल पहले हुए हेलीकॉप्टर क्रैश में गुम हुआ लड़का अपनी माँ से पुनः मिल गया था। इस घटना को लेकर के आपके अंदर भी अगर देशभक्ति जागी हो
तो कमेंट बॉक्स में भारत माता की जय, जय हिंद, हर हर महादेव जरूर लिखेगा और सच्चे देशभक्त है तो वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। ऐसी ही हमेशा वीडियोस प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। अभी के लिए आप सभी दर्शकों का हृदय से बहुत बहुत आभार।